हे गाइस, अपन लोग पहुंच चुके हैं झोरा घाट। और ये जगह किसी ने नहीं देखा होगा। डीजे थोड़ा दूर में चल रहा है यार, तो यहाँ कोई आवाज नहीं आ रहे और काफी बढ़िया सुना इलाका है उधर। पानी का लेवल इतना ही है, छत्तीसगढ़ में कहावत है दोस्तों, कितना कितना गहला है बोलने से बेंचा के ढेटू भर बोलते हैं। तो सोनी भाई झोरा घाट इंजॉय करते हैं, ठीक है, डीजे में बजा दो। झोरा घाट एक जगह है यार कोरबा आसपास, झोरा नाम से गांव है, तो वहाँ नदी है, तो वो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग पहुँच रहे हैं गर्मी का सीज़न। और ऐसे ही किनारों पे डीजे लगा दिए गए, रहने से पूछा ही नहीं वहाँ, उसके बावजूद बढ़िया। नदी का पानी गर्मी में ना दोपहर में ज़्यादा गर्म हो जाता है, मैं ऐसे ही ठीक रहता है। गहला अपन उधर मिलेगा, सिलाई दरा एक जगह है वहाँ बहुत गहला, छोटी छोटी मछलियाँ घूम रही है पकड़ें। अप लो पिल्लू, मुई दिख का हेलमेट नहीं नहाने का, भागत है पिल्लू। ये इस जगह का नाम है नंदगांव घाट, नंदगांव इधर बगल वाला गांव है। हे दोस्तों, अपन लोग आए थे नदी नहाने और ब्लॉग वीडियो में आप सबका वेलकम है। बचपन में इसी मिट्टियों को बाल पे लगाया करते थे अपन लोग, शैम्पू का काम करते थे, इतनी अच्छा हो जाता, साइन करते हैं बोलते थे और खूब लगाया करते थे। इधर है दोस्तों आम का पेड़ और पिल्लू बॉस। अपन लोग करेंगे आज मोटो ब्लॉग, लेकिन पहले करते हैं पैदल ब्लॉग। भले रात ढेर ले जाते हैं, अभी पिज्जा ले जाना है, खा पे ले जाऊँ अच्छे तो घर मबूत कर रहे। आज अब एक छोटा सा झोपड़ी बना है दोस्तों नदी जस्ट बगल में, इधर खेती बाड़ी करते हैं, साग सब्जी उगाना तो उसके लिए। और यहाँ पे पड़ा हुआ है आम, किसान ठंडा ठंडा मोला तो जा रहा था देह में तो खेलते रहिए ज़्यादा ठंडा होगी इसका यार तेल थे। चल पिल्लू रास्ता दिखाओ अपने को, चलो चलो कम ऑन पिल्लू, कहाँ पे गड़ है खोया जाना जल्दी बताओ। अच्छा वहाँ पे ये अपना बॉर्डर बना रहे, गेट खोलो पिल्लू गेट कम ऑन यहाँ पे मस्त सेगौन का पेड़ लगाया गया है, बीच में है काजू का पेड़ और करण का पेड़। हाँ नवरत्न तेल को पूरा बॉडी में लगा लिया यार, अभी बाइक चल रहा है तब और ठंडा लग रहा है, मस्त बर्फ लगा लिया जैसा लग रहा है। ओह इसको भी लगा देना था पिल्लू को भी। जंगल एरिया में आप सबका वेलकम है, और कभी आ रहे हो छाल तो नदी नहाने जरूर आओ। फिलहाल अभी तो पानी कम है, कुछ दिनों बाद पूरा भर भर के पानी आएगा ऊपर से। उधर भी बनता था लेकिन अब कोयला खदान खुल गया ना, तो उधर जाने का रास्ता बंद हो गया है। यहाँ पे नदी का बालू आ चुका है रास्ते पे, पूरे रास्ते पे जब पैर रखना ही नहीं हो जमीन। यहाँ पे आम तोड़ना का काम चल रहा है, आम तोड़ने का काम, एक बोरा आम है उठा के ले जाएं क्या। पहले मैं सोचता था कुत्ते लोग थक जाते होंगे दौड़ते दौड़ते, लेकिन ऐसा नहीं है, ये लोग तो दौड़ने के लिए ही बने होते हैं, थकते नहीं हैं आसानी से। डॉगी लोग बहुत कम थकते हैं, इन लोग का स्टेमिना बहुत ज़्यादा होता है डॉग कुत्ते लोग का। और आम तो ऐसे ही गिरा पड़ा है यार, यहाँ पे खाना है क्या किसी को, ये देख लीजिए सब पके हुए आम है और कोई खा के भी फेंक दिया उसका गुठली। एक बार रात को पूरा इधर कोई आया था, हम लोग आम चोरी कर रहे हैं, और ये वो पेड़ था जो रास्ते पे गिर गया था रात में, यहाँ से अपना ट्रैक्टर उधर नहीं गया, वरना अपन लोग एक ट्रैक्टर आम की चोरी कर लेते पूरा। और खैर उसको मैं छिल के बेचा तो यार 600 रुपये हुआ, 50 रुपये किलो में दे दिया मैं उसको।
आम खोइला बोलते हैं जो, 600 रुपये। लड़कियों को छिलवाया, उन लोग का पैसा आज तक नहीं दूँ। 600 रुपये का साइकिल ख़रीद दिया मैं, एक सेकंड हैंड। चलो चलो चलो, हाथी मेरे साथी धूल उड़ा रेला है। उड़ी नदी तरफ से आओगे तो ये पहला घर पड़ता है, और फिर सेकंड में अपना घर, मतलब अपना मुर्गा फार्म, फार्म हाउस। पीलू पहले डेंजर हुआ करता था, अब ये तो थोड़ा शांत है, इसको मार वार पड़ा है। ये पहुंच चुके दोस्तों अपन लोग फार्म हाउस। तो चलिए आज का ब्लॉग करते हैं ख़त्म, अपना सफ़र था यहीं तक का। मोटो ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताएं। ठीक है, यहाँ पर अपना पैंट वेंट चेंज करता हूँ। चल तो छोड़ के आ जाता ने, तो चलिए इसी के साथ साथ अपना गांव का गली भी घुमा देता हूँ। ये बन रहा है छोटा सा तालाब यहाँ पे, डबरी, और यहाँ पे अपना नहाने वाला तालाब। हेलमेट लगा के घूम रहा हूँ गाँव में ना, तो देख रहे हैं सबके साथ। कुछ अभी आगे अभी घर मरा विकी, दे कहाँ जाता, शायद मेरा आवाज नहीं सुने लोग। अपना पैंट तो मुर्गा फार्म में है। पिल्लू चल चल चल, आ रहा हूँ यहीं पर रह तू, फिर दौड़ाएंगे। साथ साथ चलता है ये भी, इसके लिए बाइक लेना पड़ेगा लग रहा है। थक गए क्या, रुक जा आता पिल्लू, आ जा मत आ रहे। मेरे को फिर से नदी जा रहा बोल के वहीं पे रुक गया वो, अब यहाँ पे रुकूंगा ना, देख के आएगा वो दोबारा। वो देखो बड़ा होशियार है। गजब का दिमाग है बेटे के पास। वहाँ से खड़े होकर देख रहा था अपन को, अगर अपन लोग यहाँ पे रुकते तो वो नहीं आता, मतलब रुकते तो आता, अगर उधर चले जाता मैं तो नहीं आता, वो उधर से ही वो घर चले जाता। तो अभी रुका हूँ तो आ रहा है फिर से वो। तो चलो इधर पैंट वेंट चेंज करते हैं अपना। भला किसी का मत करना, वो तेरी यहाँ पे तो अंडरवेयर ही है सिर्फ अपना, फिर से वापसी जाना पड़ेगा।